तो हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूं आप लोग पिकशार्ट के थ्रू कैसे अपना जो यूट्यूब वीडियो का थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग यूट्यूब वीडियो का थंबनेल कैसे क्रिएट करते हैं दोस्तों। और एक बार आप लोग पिकशार्ट की मूड एपीके डाउनलोड करना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, फ्री में आपको प्राइम मेंबरशिप मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले दोस्तों आपको अपना जो मोबाइल का पिकशार्ट एप्लीकेशन है उसको ओपन करना पड़ेगा। तो देखिए ये है पिकशार्ट एप्लीकेशन, इसको मैं ओपन करता हूँ। इसके थ्रू हम लोग यूट्यूब की थंबनेल क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो देखिए पिकशार्ट एप्लीकेशन ओपन हो गया है। इसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए प्लस वाला आइकन दिखा रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड में क्लिक करने के बाद आप कोई भी एक बैकग्राउंड चूज़ कर ले सकते हैं। तो मैं एक बैकग्राउंड चूज़ कर लेता हूँ, ये देखिए ये जो कलर वाला बैकग्राउंड, इसको मैं चूज़ कर लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए इसको चूज़ कर लिया, ये है मेरा बैकग्राउंड। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग इसका साइज देना पड़ेगा, यूट्यूब थंबनेल का जो साइज होता है। साइज लेने के लिए आपको यहाँ पे टूल में क्लिक करना होगा, ये देखिए ये टूल बार, यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए क्रॉप ऑप्शन दिख रहा है, क्रॉप करना पड़ेगा। देखिए क्रॉप, क्रॉप करने के बाद यहाँ पे 16:9 दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। देखिए क्लिक करने के बाद हमारा जो यूट्यूब का साइज है वो आ गया। इसके बाद आपको टिक कर देना होगा, देखिए टिक कर दिया। इसके बाद देखिए हमारा जो थंबनेल का साइज है वो आ गया। इसके बाद दोस्तों आप कोई भी यहाँ पे फोटो डाल सकते हैं। तो मैं मेरा फोटो डाल के आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे थंबनेल क्रिएट होता है। तो देखिए मैं यहाँ पे नीचे जो बार दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्क्रॉल करके देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ऐड फोटो, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। देखिए ऐड फोटो, ऐड फोटो में क्लिक करने के बाद आप कोई भी एक फ़ोटो चूज़ कर लेना। तो मैं मेरा एक फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ, ये देखिए ये मेरा फ़ोटो, ये मैं चूज़ कर लिया। इसके बाद दोस्तों और एक बात, आप फ़ोटो का कोई भी फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो या देखना चाहते हो फ़ोटो का बैकग्राउंड कैसे हटाए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लेना, ठीक है। तो मैं मेरा फ़ोटो को सेट कर लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पे कोने में डाल के सेट कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों मेरा फ़ोटो हो गया। दोस्तों फ़ोटो को आप कलर ठीक कर सकते हैं, फ़ोटो के साथ फ़ोटो का बॉर्डर दे सकते हैं। तो मैं फ़ोटो का जो बॉर्डर है उसको मैं देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे बॉर्डर दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। तो फोटो को बॉर्डर आप दे सकते हैं, कोई भी कलर यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके देखिए मैं रेड कलर ले लेता हूँ, देखिए रेड लेने के बाद यहाँ पे टिक कर देता हूँ। देखिए फ़ोटो का जो बॉर्डर होता है, देखिए ये बॉर्डर ले लिया। देखिए दोस्तों फ़ोटो का जो बॉर्डर था वो आ गया रेड कलर में। इसके बाद फ़ोटो को आप थोड़ा सा ग्लिच करना होगा, यानी इसका लाइट थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा, इसलिए आपको यहाँ पे नीचे यहाँ पे क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एडजस्ट में आपको क्लिक करना होगा फ़ोटो का कलर ठीक करने के लिए। यहाँ पे क्लिक करना, क्लिक करने के बाद थोड़ा यहाँ से लाइट बढ़ा देना। लाइट बढ़ाने के बाद यहाँ पे कॉन्टेस्ट में क्लिक करना, यहाँ पे देखिए बहुत सारा सिस्टम दिख रहा है, यहाँ पे कॉन्टेस्ट में आप क्लिक करना। इसके बाद दोस्तों ये देखिए फ़ोटो का, देखिए फ़ोटो अच्छा दिखने लगा। इसके बाद दोस्तों क्लिक कर देना, करने के बाद हमारा जो फ़ोटो था वो अभी सेट हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपको कोई भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। लिखने के लिए आपको यहाँ पे जो टेक्स्ट दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, देखिए टेक्स्ट। तो मैं यूट्यूब यहाँ पे लिख दिया, देखिए यूट्यूब लिख के यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ। यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसका कलर हम लोगों को यहाँ पे कलर में चूज़ करके लिख सकते हैं, और जो स्टाइल है लिखने का ये भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं यहाँ पे स्क्रॉल करके, ठीक है। तो हम लोग जैसा था ऐसे ही रहने देंगे, ऐसे था ऐसे रहने देंगे। इसके बाद हम लोग टेक्स्ट का कलर चूज़ करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। तो कलर में चूज़ कर लेता हूँ, कलर में चूज़ करने के बाद यहाँ पे कोई भी एक कलर ले लेता हूँ, मैं रेड कलर ले लेता हूँ यूट्यूब का। देखिए रेड कलर ले लिया। रेड कलर लेने के बाद हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट के बॉर्डर यानी स्ट्रोक डालना पड़ेगा, यहाँ पे स्ट्रोक में क्लिक करना होगा। ये देखिए स्ट्रोक में क्लिक करने के बाद मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ, देखिए ब्लैक देने से और भी अच्छा लग रहा है यूट्यूब। इसके बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पे शेडो डालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जो शेडो है यहाँ पे डालना पड़ेगा शेडो, देखिए अच्छा लग रहा है दोस्तों। देखिए शेडो डालने के बाद अच्छा लग रहा है। इसके बाद दोस्तों आपको अपना जो टेक्स्ट है इसके बॉर्डर कैसे देंगे, यानी इसका बैकग्राउंड कलर कैसे देंगे, यहाँ पे जो हाईलाइट है यहाँ पे क्लिक करना होगा। हाईलाइट में क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे कलर आ गया है, व्हाइट कलर आ गया, जो भी कुछ कलर आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये वाला दे देता हूँ, इसके बाद यहाँ पे टिक कर देता हूँ, ये हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे और एक टेक्स्ट लिखते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट में क्लिक करके तो यहाँ पे हम लोग लिख दिया थंबनेल, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे सेट कर देते हैं,
इस टेक्स्ट का कोई भी एक कलर ले लेते हैं यहाँ पे आके। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो कलर है, यहाँ पे आके एक कलर ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे येलो कलर ले लेते हैं। देखिए येलो कलर ले लिया, इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे स्ट्रोक देना पड़ेगा। ये देखिए स्ट्रोक दे दिया, स्ट्रोक थोड़ा ज़्यादा कर देना। इसके बाद टेक्स्ट का शेडो डालना पड़ेगा। देखिए शेडो, शेडो कलर कोई भी ले सकते हो। तो दोस्तों मैं वाइट कलर ले लेता हूँ, वाइट में अच्छा लगेगा दोस्तों। ठीक है, ले लिया। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को फिर से हाईलाइट में क्लिक करना होगा। देखिए हाईलाइट में क्लिक करने के बाद देखिए कोई भी एक कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो मैं रेड कलर ले लेता हूँ। ठीक है, देखिए रेड वाला ले लिया। देखिए यहाँ पे देखिए एक हो गया। इसके बाद थोड़ा और एक डाल सकते हैं 2022। यहाँ पे डालने के बाद फिर से आपको यहाँ पे कलर चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे कलर में आके कलर चूज़ कर लेना। मैं कोई भी एक कलर ले लेता हूँ। ये देखिए ये वाला कलर ले लिया। इसके बाद इसका स्ट्रोक थोड़ा डाल देता हूँ वाइट। इसके बाद इसका शेडो डाल देता हूँ ब्लैक। ठीक है, हो गया। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट है इसका बैकग्राउंड में कोई भी एक कलर चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करना हाईलाइट में। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए एक कलर दिखा रहा है। ठीक है, आप देख ही सकते हैं ब्लैक कलर दिखा रहा है। हम लोग ब्लैक ले सकते हैं और भी कुछ ले सकते हैं। तो ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए हम लोग यहाँ पे और कलर ले लेते हैं, ये वाला कलर ले लेते हैं। तो दोस्तों देखिए हो गया। इसके बाद दोस्तों हमारा जो थंबनेल है अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पे टिक कर देना पड़ेगा। टिक कर देने के बाद यहाँ पे आ जाना होगा। देखिए इसके बाद सेव कर देना पड़ेगा। तो गैलरी में सेव हो गया। तो दोस्तों ये देख ही सकते हैं कैसे थंबनेल आसानी से हो गया है। और एक बार दोस्तों आप लोगों को ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले बेल आइकन को क्लिक करना। जय हिंद दोस्तों।